जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज का सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम एआरओ पालमपुर आर्मी अग्निवीर जीडी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो इसमें क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाए गए थे। किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे, तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम यहाँ पे एआरओ पालमपुर का एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने एआरओ बीकानेर का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस किया था, बट उसमें हमने सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, क्योंकि प्रॉपर हमें क्वेश्चन का एक सेटअप जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाया था। बट यहाँ पे जो है वो पालमपुर एआरओ का जितने भी स्टूडेंट हमारे पास थे उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने हमें बताए थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो हमने उन्हीं का एक प्रॉपर एक सेट जो है वो बना के आज हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने वहाँ पर बिल्कुल सही किए हैं, और मेरिट जो है वो आपकी हाई जाने का चांस है। तो अगर आपके 160 प्लस से क्वेश्चन आपके अगर मार्क्स बनते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो पूरी पूरी होने का चांस अग्निवीर में रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, भारत रत्न क्रिकेट में किसे दिया गया है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, तो जो भी बच्चे हिंदी या इंग्लिश मीडियम के रहेंगे तो उन दोनों को ही यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हु हैज बीन गिवन भारत रत्न इन क्रिकेट, तो भारत रत्न जो है वो क्रिकेट में किसे दिया गया है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत रत्न जो है वो दिया गया है, और एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको अभी तक भारत रत्न मिला है। अगले क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। तो ये क्वेश्चन आपके सेंटर के जो आपका पेपर था जैक का, या फिर जो आपका बीकानेर का या बेंगलोर का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, विराट कोहली का संबंध किस खेल से था। तो ये आई थिंक सभी को पता है, विराट कोहली जो है वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नर्मदा। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास दिया गया है, भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है ट्रॉम्बे में। ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ट्रॉम्बे जो है ये आपका पड़ता है मुंबई में। मुंबई में जो है वो आपका इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आपका वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, साथ में आप कमेंट यहाँ पे करते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके बिल्कुल सही जो हैं वो पाए गए हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल्स कौन सा है। क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है हाथी, जिराफ, शेर या फिर ब्लू भेल। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन डी, ब्लू भेल जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टी शब्द का संबंध किस खेल से है। तो टी यहाँ पे बोला गया है किस खेल से संबंध ये टी शब्द जो है वो रहता है, टेनिस, चेस, गोल्फ या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन सी, गोल्फ। टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंध रखता है। वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये आपका जो है वो पालमपुर एआरओ का जो है वो पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो थोड़ा सा लेट हो गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमें एक प्रॉपर वे में नहीं मिले थे। बच्चों से डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम
जो है वो यहाँ पे हमें लगा, साथ में इसको टाइप करना पड़ता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम जो है वो लगा। तो यहाँ पर उसके बाद ही हम एक प्रॉपर वे से जो है वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेके आए हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, ये जो आपके सामने यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके पास है 9817269053। ये जो आपके पास नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है वो जोड़ दिया जाएगा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में आप जो है वो इस नंबर के ऊपर मैसेज करके जो है वो टेलीग्राम का लिंक भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप उसमें सिंपली सर्च करें विजयपथ एजुकेशन पालमपुर, वहाँ पे ऑफिशियल का आपको ग्रुप जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात है कि आपको डे टू डे के करंट अफेयर, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, साथ में डेली आर्मी से रिलेटेड बूस्ट क्वेश्चन, या फिर जो जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एचआरटीसी, या फिर आपका जेओआईटी का एग्ज़ाम है, या फिर टैट कमीशन, तो उनसे रिलेटेड जो आपके नोट्स रहते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलते हैं। साथ में जॉब अलर्ट आपको डेली यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। सो क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, झारखंड जो है वो किस राज्य से अलग होकर बना है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका रहेगा बिहार। बिहार से जो है वो झारखंड को, सॉरी झारखंड, हाँ बिहार से जो है वो झारखंड को अलग किया था, उससे ये एक नया राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठोस से द्रव बनता है इसे क्या कहते हैं? जब भी सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, मल्जर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का आपका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है उसको पिघलाना। तो ठोस से द्रव हम तभी कर सकते हैं जब उस चीज़ को पिघलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये ऑप्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड करता था। तो कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन का कार्य क्या है आप सभी को पता है, ओजोन का फॉर्मूला रहता है O3, और ये अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो रोकती है, धरती पर आने से रोकती है। जो भी हमारा सन अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस करता है तो उसको आने से रोकती है। तो ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरण को रोकना इसका सही आंसर रहेगा। उसके क्वेश्चन 11 है, ओहम का नियम किससे संबंधित है? तो ओहम्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये किस लॉ से, ये किस नियम से संबंधित है? तो इसको जो है वो ओहम्स लॉ बोला जाता है। तो ओहम्स लॉ जो है वो संबंधित है रजिस्टेंस से, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो V है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं I की बात करूँ तो ये आपके पास करंट है, और ये जो R है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 7th क्लास का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, न्यूटन का कौन सा नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है? मतलब कि न्यूटन का ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है? आपको ध्यान में रखना है, आपको पता है न्यूटन के जो है वो बेसिक कितने लॉ हैं, 3 लॉ हैं। तो सिंपल सी चीज क्या है, न्यूटन का जो पहला लॉ है वो सिर्फ फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि एक्चुअल में फोर्स है क्या। अब मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करूं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी चीज वो हमेशा रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, मतलब बाहरी बल ना लगाया जाए, वो तब तक जो है वो अपनी ही पोजीशन में या तो मूव करती रहेगी या तो वो स्थिर
मतलब कि रेस्ट में रहेगी। तो उसने क्या बताया, फोर्स के बारे में बताया कि एक्चुअल में फोर्स लगाने की जरूरत है या नहीं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन सेकंड लॉ में आपने ध्यान रखना है, सेकंड लॉ फोर्स को फाइंड करता है, क्योंकि फाइंड हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फोर्स की वैल्यू को बताने में हेल्प करता है, मतलब कि उस फोर्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसको नेचर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेचर में जितनी भी चीज़ें हमारी अगर फॉरवर्ड में हो रही हैं तो उससे रिवर्स में भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर हो रहा होगा, तो उसको न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कौन सा लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, तो वो है आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पिछले पेपर में भी जो है वो पूछा गया था। आपका जो ARO बीकानेर का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन 13 और 14 दोनों के दोनों मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस किए थे। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप सभी को ये पता है टोटल जो है वो 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र जो हैं वो मानव में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा रहेगा, वो है आपके पास लद्दाख का पठार। अगर सबसे बड़ा बोला जाता तो दक्कन का पठार आना था, लेकिन सबसे ऊंचा बोला गया है तो कौन सा आएगा, लद्दाख का पठार जो है वो यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन 15 है, भविष्य की धातु कौन सी है। अगर आपने विजयपथ एजुकेशन के जनरल साइंस के अगर आपने नोट्स जो है वो अगर लिए हैं तो आप वहां से देख सकते हैं 15 के 15 क्वेश्चन आपके उन्हीं नोट्स में से जो है वो पूछे गए हैं, और आपको इससे बाहर जो है वो पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत जो है वो नहीं थी। तो जो भी आपका अभी ARO मंडी का एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है उसके लिए जो है वो आप विजयपथ एजुकेशन में अपनी कोचिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके GK या साइंस के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके उन्हीं नोट्स में से पूरे के पूरे जो है वो कवर हो जाएंगे। भविष्य की धातु जो है मतलब कि फ्यूचर मेटल के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है, तो टाइटेनियम को जो है वो फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो 1857 का विद्रोह जो है ये आरंभ हुआ था मेरठ से, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका ARO बीकानेर और बेंगलोर में जो है वो पूछा गया था। जनरेटर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो आप सभी को पता है कि जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, शादी में, होटल में, जब लाइट चली जाती है तो फिर हम जनरेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेन काम क्या है उसका, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा है, कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए से होने वाला रोग है। बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, और स्कर्बी जो है वो विटामिन सी से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से किसमें परिवर्तन होता है, तो जब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कौन सी चीज जो है वो हमारी चेंज होती है, तो यहाँ पे चक्कर लगाने से ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन जो है वो चेंज हो जाते हैं, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, बरसात आएगी, तो इस प्रकार के सीजन जो है वो चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से देश का था, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके GK या साइंस के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्टैटिक वे में पूछे जाते थे, पहला आदमी कौन था, अंतिम आदमी कौन है, या वर्तमान में कौन गया, तो यहाँ पे ज्यादातर ये पूछा जाता था चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं, तो वो सभी को पता होता था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप किया है, क्योंकि अब इनसे क्या पूछ लिया गया है, इनका इनकी कंट्री, इनका देश जो है वो यहाँ पे
पूछ लिया गया है। तो ये थे रहने वाले थे यूएसए के, नासा के थ्रू जो है इनको चांद पर भेजा गया था। तो ये 1969 में जो है वो इन्होंने चांद की यात्रा की थी, और उस टाइम पे टोटल 3 लोग जो है वो ये गए थे। एक जो है वो बिल्कुल चांद के बाहर बाहर चक्कर लगा रहे थे, और 2 आदमी जो थे वो चांद में गए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, ये 2 ऐसे आदमी थे जो चांद पर सबसे पहले पहुंचे थे, और कोलिन जो थे वो चंद्रमा के बाहर चारों ओर जो है वो चक्कर लगा रहे थे। 1969 से आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1969 को ही हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो की भी स्थापना जो है वो की गई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। लोहे की कमी मतलब आयरन की जब कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है, और उस कमी को ठीक करने के लिए डॉक्टर हमें किसकी गोलियां देते हैं? ये आप सभी को पता होगा, सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादातर ये गोलियां फ्री में दी जाती हैं, तो फोलिक एसिड की जो है वो गोलियां बच्चों को दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22, पानी का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान में रखना था, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो और यहाँ पे हम ज्यादातर ब्लू कलर में ही पानी को देखते हैं, तो पानी का रंग था नीला। 22 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा कौन सा राज्य है जो रेलवे से पूरी तरह से जुड़ा नहीं है? मतलब कि अभी भी वहां पे रेलवे की लाइन नहीं है। तो ऑप्शन सी सिक्किम में जो है वो रेलवे की लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब कि उसमें यूएनओ में जो है वो कितने मेंबर जो है वो परमानेंट यहाँ पे बताए गए हैं, 12, 10, 18 या फिर 15? तो ऑप्शन जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 15 सदस्य जो है वो यूएनओ में सताई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? और ये क्वेश्चन आपके फिर से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि जो आपका एआरओ बीकानेर का एग्जाम था या अदर एआरओ के जो भी आपके एग्जाम हुए थे उनसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके पालमपुर एआरओ के एग्जाम में पूछे गए थे। 60 से 70% जो आपका, ये 60 to 65 आप मान के चल सकते हैं, सभी एआरओ के पेपर जो एक ही डेट में कंडक्ट कराए जाते हैं ऑल इंडिया में, उनका 60 से 65 या 70% तक जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम टू सेम ही रहते हैं, बिल्कुल हल्का सा चेंज जो है वो उसमें पूछा जाता है। तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन दूसरे का नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के नाम से जो है वो टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, बीसीजी का टीका किस रोग को हटाने के लिए या किस रोग के निवारण के लिए लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी के लिए जो है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो जो भी आपके जीके या साइंस के क्वेश्चन थे वो आपके नोट से ही जो है वो सारे के सारे पूछे गए थे। जो भी पालमपुर एआरओ का जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो कि विजयपथ एजुकेशन में जो है वो अपनी स्टडी कर रहे थे, तो उनको पता होगा कि जो भी हमने साइंस के बूस्टेड क्वेश्चन आपको दिए थे, 15 के 15 क्वेश्चन जो है वो साइंस के उसी में से जो है वो पूछे गए थे। वीडियो को आप लाइक जरूर करें। मैथ के सेक्शन के ऊपर आते हैं, 27 जो है वो काफी इजी क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि जो जो क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे फास्टली, मैं उनको यहाँ पे आपके लिए करवा के दूं। यहाँ पे आपको बोला था मल्टीप्लाई करना है 0.2 को, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। फिर मैंने 0.3 को भी ओपन कर दिया और 7 को भी ओपन कर दिया। आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, और 6 को 7 से करेंगे तो आएगा 42, और नीचे कितने बनेगा आपके पास? 1000। तो 1000 का मतलब है आपके पास ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.042। 27 का ऑप्शन बी जो है वो आपके पास बिल्कुल सही आंसर, सॉरी यहाँ पे 27 का
सॉरी बी और सी ऑप्शन जो है वो दोनों के दोनों यहाँ पे शायद गलती से सेम ही टाइप हो गए हैं, तो आप किसी को भी यहाँ पे जो है वो टिक कर सकते हैं बी या सी में से। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज की संख्या कितनी होती है? तो कोणों के आधार पर जो है वो टोटल त्रिभुज की तीन ही संख्याएं होती हैं, टोटल तीन प्रकार की त्रिभुजें जो है वो कोणों के ऊपर आधारित हैं। क्वेश्चन 23 है कि 2, 3, 5 जो है वो अनुपात दिया गया है त्रिभुज के कोणों का। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, तो अगर इसके रेशियो की बात करें तो ये जो है वो इसके पास दी गई है रेशियो 2x, 3x और 5x। अगर मैं बात करूँ सबको ऐड करके तो मेरे पास एंगल बना 10x का, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल होता है 180, तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास मिल गई? 18 मिल गई। जब मैं 18 को इसके साथ गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 36, फिर 3 के साथ गुणा करूँगा तो आएगा 54, और 5 के साथ गुणा करूंगा तो आएगा 90। तो टोटल एंगल जो है वो ये मेरे पास बने हैं, ये पहला एंगल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पे पूछा गया है तो वो त्रिभुज कौन सी है, मतलब कि जिसमें 90 डिग्री का एक कोण रहता है, तो वो त्रिभुज बनती है कुछ ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब कि उसको राइट एंगल या फिर समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसकी बात करते हैं, 30 की आपके पास यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि जो पिता और पुत्र की एज है ये है 7x और 3x। 10 साल के बाद, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के ऊपर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने क्वेश्चन जो है वो समझे हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अनुपात जो है वो 2:1 हो जाता है। आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपके पास बनेगा 7x+10 और बराबर में ये बनेगा 6x+10। फिर जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा 20। अच्छा आपके सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में छोटी सी एक मिस्टेक है, यहाँ पे रेशियो 2:1 नहीं होगी, यहाँ पे जो रेशियो है वो आपके पास होगी 1:2। यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे टाइपिंग एरर है यहाँ पे आपके पास, ये तो 1:2 यहाँ पे आएगा, और जब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो एक्स आपके पास यहाँ पे बनेगा एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 2। आप इसको रेशियो के मेथड से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास बनेगा 70 और 30। और अब आपको बोला था वर्तमान आयु, तो 10 साल के बाद जो है वो इनकी एज जो है वो 80 हो जाएगी और इसकी 40 हो जाएगी, तो वर्तमान आयु हमारे पास कितनी आएगी? 70। आप इसको रेशियो के मेथड से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, 31 में आपके पास बोला गया है कि आपके पास जो स्पीड दी गई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे स्पीड दी गई है। मैं इसको डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस आपके पास नहीं दिया गया है, और 9 जो है वो आपके पास दिया गया है टाइम, तो 9 से 18 कट जाएगा 2 बार, 2 से 60 कट जाएगा आपका 30 बार, और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 150 मीटर। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं, 54 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताना है, तो मीटर पर सेकंड में बताने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 बार कटेगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपके पास आंसर है वो आपके पास रहेगा 4 दिन। अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं कि किस टाइप से, हल्का सा मैं इसको बता देता हूं, आपके पास दिया गया है 6 पुरुष हैं, मतलब 6 मैन हैं,
और आपके पास 8 जो हैं वो लड़के हैं, ये काम कर रहे हैं 10 दिनों में, तो डायरेक्ट आप 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो निकालनी पड़ती है। फिर 26 आपके पास मेन हैं और 48 जो हैं वो आपके पास है लड़के हैं, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 2 दिन में। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बनेगा 60 मैन और 8 को इससे किया 80 बॉय, ये बनेगा आपके पास 52 मैन और साथ में 48 का डबल 96 बॉय। तो यहाँ पे 60 में से 52 चले गए, मैन को मैन की साइड रखेंगे तो आपके पास आ गया 8 मैन और 80 बॉय, जब दूसरी तरफ चले गए तो आपके पास आ गया 16 बॉय। अब इसका मतलब है सॉरी, यहाँ पे एक मैन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? दो लड़कों के बराबर जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो आपके पास इक्वेशन है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी दिन को 10 दिन, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब एक आदमी जो है वो किसके बराबर है? दो पुरुषों के बराबर है। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे तो 6 पुरुषों को जो है आप बोए में कन्वर्ट कर लें। 6 पुरुष का मतलब है 6 पुरुष, मतलब कि पुरुष को गुणा, पुरुष को मान लिया मैंने 2 लड़के और साथ में कितने हैं? 8 लड़के और हैं, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। तो MDH फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 6 को 2 से किया 12 लड़के, 12 और 8 कितने? 20। तो 20 लड़के जो हैं ये कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं। अब मेरे से पूछा कितना गया है? 15 पुरुष और 20 लड़के, तो पुरुष को मैं चेंज करूंगा। 15 पुरुष का मतलब है एक पुरुष का मतलब 2 लड़के, तो 15 का मतलब हो जाएगा 30, और 20 लड़के और दिए गए हैं, तो 30 और 20 कितने? 50 लड़कों का जो है वो कितने दिन में जो है वो पूरा हो जाएगा? तो टाइम मेरे से यहाँ पे पूछा गया है, 0 से 0 कट जाएगी और 5 से 20 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 4 दिन जो है वो भी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। 2000 जो है वो किसी चीज का अंकित मूल्य था, MRP था, उसके ऊपर पहले 20% छूट दी गई, मतलब 20 की जो 100 की चीज है वो 80 में दी गई, तभी हम इसको जो है वो 20% छूट मान सकते हैं। फिर 15% की छूट दी गई, तो 100 के ऊपर 15 की छूट दी गई, तो इसका मतलब 85 की छूट दी गई। 20 से 20 और अनदर 20 से अनदर 20। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 16 को 85 से, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1360 रुपये जो हैं वो, मतलब कि 2000 रुपये वाली की चीज़ को 1360 रुपये में जो है वो बेचा गया, तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि क्वेश्चन जैसे हम करते हैं सॉल्व, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? x के बराबर है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको लिखा थोड़ा सा मैंने गलत, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ। बोला गया है कि जो 20 वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य, मतलब कि CP किसके बराबर है? X वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहाँ पे CP मेरे पास कितनी आ गई? X, और SP कितनी आ गई? 20 आ गई, मतलब X रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। अगर मेरे को 25% लाभ है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर 25% जो है वो लाभ छिपा हुआ है, मतलब कि 20 रुपए वाली चीज में कितने का लाभ छिपा है? 25 का लाभ, मतलब वो वैल्यू 125 की है। तो एक की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू दी गई, मैंने एक छोटी सी गलती फिर से यहाँ पे कर दी, तो मेरे को जो है वो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 25% का लाभ हुआ, मतलब 25 का लाभ, 100 के ऊपर 25 का लाभ, तो 125 हुआ कब? जब वो चीज़ कितने में बिकी है? 20 रुपये में बिकी है, तो 125% की वैल्यू कितनी है? 20। 1% की वैल्यू मेरे पास आएगी 20 बटा 125,
और सीपी हमेशा कहाँ से काउंट की जाती है, 100 से, तो गुणा करेंगे 100 से, 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार, और 5 से 20 कटेगा 4 बार, 4 को 4 से करेंगे 16। इसका मतलब वो चीज़ 16 रुपये में खरीदी थी और 20 रुपये में बेच दी, तब उसे कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास दिया गया है, तो ये हिट एंड ट्रायल का आपके पास क्वेश्चन था। तो सतारा गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर जो है वो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका क्रय मूल्य कितना है? तो जब भी आप इसको बाय ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन डी जो है वो 16, यहाँ पे सॉरी 60 जो है वो आपके पास रहेगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं, तभी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे आप वैल्यू जो है वो फिल करें। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास दिया गया था 37, यहाँ पे मैं वैल्यू को लिखता हूँ 300 का, फिर आएगा आपके पास 30%, फिर प्लस है 50 का x प्रतिशत, और बराबर है कितना, 400 का 60%। यहाँ पे 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, ये बचेगा आपके पास कितना, 90, फिर प्लस ये आपके पास 50 से कट जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा x/2, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 6 को 4 से किया तो 240, तो x बराबर है 240 में से आपके 90 चले गए, और ये जो x अपॉन 2 था, 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 240 में से 90 चले गए 150, 150 को 2 से गुणा कर दिया तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 300। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा यहाँ पर 300। क्वेश्चन 38 था, ये तो काफी इजी है, प्लस माइनस का आपके पास क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है -6947, ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें बोला गया है एक आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि इसकी प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ाई मतलब एक भुजा 120 पे पहुंची, दूसरी को भी 20 बढ़ाया तो वो भी 120 पे पहुंची, 2 जीरो से 2 जीरो, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, तो एरिया हमारा हो जाएगा 144%। लेकिन हम परसेंटेज चेक करते हैं 100 से, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 से ये 44% ज़्यादा है, तो एरिया भी कितना बढ़ेगा, 44% ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास दिया गया है, ये गैप का आपका क्वेश्चन था, 1 से 2 में जाएंगे तो 1 का गैप, फिर 3 का, उसके बाद 5 का, फिर 7 का, और फिर है 12 का। तो जो पैटर्न आपके पास बन रहा है इसमें रोंग वैल्यू आपको ढूंढनी थी, 1, 3, 5, 7, तो अगला 9 का बनना था, मतलब कि 12 जो है वो नहीं आना था, तो 12 आया किसकी वजह से, 29 की वजह से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते सुरेश ने क्या बोला, कि ये मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। अब सुरेश क्या बोल रहा है, सुरेश ने बोला कि जो मेरी मम्मी है उनका इकलौता बेटा, मतलब वो खुद सुरेश ही है, इकलौते बेटे का बेटा है, वो इसका क्या है, बेटा है। यही क्वेश्चन आपके पास बनेगी, सुरेश उस लड़के से, मतलब ये लड़का इस सुरेश को क्या बोलेगा, तो ये उसके क्या लगे, पिता लगे, फादर लगे, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 42 आपके पास बोला गया है, रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर गया, ये यहाँ से चला है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 25 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ा, तो ये यहाँ से यहाँ मुड़ेगा, कितना गया, 20 मीटर गया, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा, और फिर कितना गया, 25 गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितना आ गया, 25 आ गया, फिर दाएं गया और 15,
यहाँ पर पहुंच गया। अब बोला है किस दिशा में और किस कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, कौन सी दिशा बन रही है, ईस्ट बन रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन के दो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। लेकिन डिस्टेंस भी पूछा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है आपके पास वो पहले 20 है और उसके बाद 15, तो 20 और 15 35, और ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 43 जो है वो काफी लेंथी क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर वे में कि किस टाइप से कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में जो है वो आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरे कैलेंडर के चैप्टर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, साथ में उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि बिना कोडिंग के हम कैलेंडर को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, वहां से आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 44 जो है वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप गैप जो चेक कर सकते हैं, 5 और 16 के बीच 11 का गैप है, 16 और 49 के बीच 33 का, उसके बाद है यहाँ पे 55 का, तो 11 का पहाड़ा चला है, 11 का फिर 3 बार, 33 फिर 5 बार, और उसके बाद आएगा 7 बार 77। तो जब 77 ऐड किए तो हमारे पास बना 181। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें बोला है जी से वह अक्षर उतनी ही दूर है जितना टी एम से, तो एम से जो है वो जब मैं 7 आगे जाता हूँ, 7 आगे जाता हूँ तो क्या आ जाता है टी, तो ऐसा कौन सा अक्षर है जिससे जी से भी उतनी ही दूर है, मतलब कि जी से भी कितना आगे जाना है, 7 ही आगे जाना है, तो जी के 7 जब आप आगे जाएंगे तो अक्षर कौन आएगा, एन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 46 की बात करते हैं, कप को लिप बोला गया है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी से रिलेटेड रहेगा। कप को लिप बोला गया है, मतलब कि जो हमारे पास चाय पीने का कप है उसको उसको पीने के लिए हम लिप का यूज करते हैं, अपने लिप्स का यूज करते हैं, वैसे बर्ड जो है वो किसी चीज को पकड़ने के लिए किस चीज का, अपनी चोंच का यूज करते हैं, तो उसका आंसर आएगा बीक, चोंच को जो है वो बीक यहाँ पर बोला जाता है। 47 जो है वो फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन था एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने बोला कि उसकी पोती, मतलब कि वो जो एक उसकी पोती, मतलब कि ये वो कोई लड़की है मान के चलते हैं, इसकी पोती मतलब कि इसका कोई बेटा आएगा और उसकी वो कोई बेटी आएगी, तो तभी ये इसकी क्या बनी, पोती बनी। उसकी पोती जो है वो मेरे भाई की इकलौती बेटी है, मतलब ये खुद अभिजीत आ गया और इसका ये भाई बना और उसकी क्या बनी, ये बेटी बनी। तो महिला अभिजीत से किस प्रकार संबंधित है, अभिजीत की को क्या बनी, वो उसकी मम्मी बनी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 48th क्वेश्चन, ये फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन है। आई बटन के ऊपर आपको वीडियो का लिंक यहाँ पर मिल रहा है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में जो है वो आंसर वहां पे मैंने करवाया है कि किस टाइप से कैलेंडर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कोडिंग, तो इसका वहां पे आपको प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे 48th क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन है डी। लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, 49th क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, 7 यहाँ पे, 7 के बाद आपके पास बनेगा 8, 8 के बाद बनेगा 9, 9 के बाद आपके पास एक छोड़ के बनेगा 10, ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 50 की बात करते हैं, बोला गया है एक सूर्य उदय के समय, तो सन जो है वो यहां से ईस्ट दिशा से उदय हुआ, सूर्योदय के समय अमृत एक खंबे के सामने खड़ा है, ये कोई खंबा है यहाँ पे मान के चलते हैं, और अमृत कहीं पे खड़ा है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन बोला खंबे की छाया बाई ओर बन रही है। आपने हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी सूर्य उदय होता है तो उसकी छाया हमेशा पश्चिम की तरफ पड़ती है, तो इसका मतलब अगर अमृत यहाँ पे है, यहाँ पे अगर वो खड़ा है,
तभी इस खंबे की छाया जो है वो उसको अपने किस तरफ दिखेगी, बाई ओर दिखेगी, लेफ्ट साइड दिखेगी, क्योंकि अमृत का बायां इसी दिशा में है। तो अमृत का फेस किस दिशा में है, तो इस टाइम पे अमृत कौन सी दिशा को देख रहा, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वो कौन सी दिशा है इसकी, नॉर्थ दिशा, उत्तर की दिशा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो हमने यहाँ पर पालमपुर एआरओ का एग्जाम जो है वो यहाँ पर हमने सॉल्व किया। किस टाइप के आपके अग्निवीर के यहाँ पे क्वेश्चन रहे हैं वो हमने यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है। साथ में इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। साथ में आप विजयपथ एजुकेशन के पीडीएफ नोट्स जो हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। विजयपथ एजुकेशन ऐप जो है वो आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको अग्निवीर 786 कूपन कोड लगाना है। उसके ऊपर आपको डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट आर्मी एग्जाम के लिए देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने 200 से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, साथ में चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट आर्मी, जीडी, क्लर्क और टेक्निकल के लिए जो है वो हमने डाले हैं। वहां से आप उस चीज को परचेज कर सकते हैं। साथ में इस ऐप में आपको हिमाचल पुलिस, हिमाचल पटवारी, एचआरटीसी, क्लरिकल, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, रेलवे, इस टाइप के एग्जाम की भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगी। तो आप उन मॉक टेस्ट सीरीज को भी अपने एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए आप परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आर्मी से रिलेटेड डाटा हम यहाँ पे आपके पास लेके आएंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।